बच्चे ध्यान देंगे, छोटे बच्चों ने कल सीखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो बच्चों देखो, अगर उसी में दो केस साथ जो मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों देखो, ये इसमें से अगर हम इसको रिमूव कर दें डाई इलेक्ट्रिक को, तब क्या होगा? देखो बच्चों, कल फार्मूला क्या आया था? कल फार्मूला था सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन। अब देखो बच्चों, जब आप इसको रिमूव करोगे तो ये टी मतलब गायब हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मीन्स टी इक्वल टू जीरो। कितना आएगा देखो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया बच्चों। यही तो पहला रिलेशन था डायलेक्ट कैपेसिटर विद एयर, आपको तो इतना ही तो आया था ठीक। अब बच्चों ये कह रहा है दूसरा, क्या बच्चों इसमें क्या है, केस नंबर सेकंड क्या है? इफ टी बराबर डी, मतलब इस पूरे में एयर गायब हो जाए, पूरा 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 भर जाए डायलेक्ट्रिक से, तब क्या होगा? देखो बच्चों, जब जब ये पूरा डायलेक्ट्रिक मटेरियल हो जाएगा, टी ओ डी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ टी ओ डी बराबर कर दो, ठीक है ना आएगा डी माइनस डी ये आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो जीरो हो गया, फिर सी इक्वल टू आ गया अब साइलेंट नॉट ए अपान टी, और ये फिर ऊपर चला गया, ये आ गया। तो ये बच्चों आप लोग ध्यान रखना, ये एयर के लिए है और ये कंप्लीट डायलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए है। अगर उसी सवाल ने पूछ लिया कि पूरे में क्या भरा हो डायलेक्ट्रिक मटेरियल, तो बच्चों आप ये करना ठीक।